जिला बुलंदशहर में डाकू का रोल कर रहा हूँ। मैं कानपुर से रहने वाला हूँ। मेरा सपोर्ट पूरा करने वाले अली खान सर है। आर्यन बनर्जी है, मैं इस मूवी में काम कर रहा हूँ अली खान सर के साथ। मैं सर के साथ काम कर, सर ने बोला काम करने को, अच्छा रोल वोल दिया है मेरे को। उनके साथ काम करके हैप्पी, अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर के साथ काम करके। नाम जावेद शेख है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। ठाणे बुलंद, ये अपना बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर काम करना चाहता हूँ। और हमारे जो सपोर्टर है, हमारे अली खान साहब। थैंक यू। द मूवी इज डायरेक्टेड बाय केली खान सर, ही इज़ माई अंकल। तो ये डायरेक्ट कर रहे मूवी, और मैं, ये मेरा अंकल है और मैं इनकी एक मूवी कर रहा हूँ 365 रातें, उसमें लीड एक्टर हूँ मैं। और ये भी ज़िला बुलंदशहर, जो भी आज उसका मुहूर्त है उसके लिए आए, उसमें भी मेरा एक लीड कैरेक्टर है। तो होप सो फॉर गुड। थैंक यू, यू आर वेलकम। Motivated, like I like to watch the movies, like actions and all. So I read the story that my uncle told me that it is a movie of. So that's why I like the movie. What is the storyline? Storyline is that you can see the poster over there. Yeah. तो बहुत सारे लोग हैं, डाकू हैं. It's an action movie. Yeah, obviously. Look camera. Obviously, it's an action movie. पोस्टर से आपको पता चल जाएगा कि एक्शन मूवी है वो। माय नेम इज उबैद खान। गुड इवनिंग टू ऑल, माय नेम इज राखी शर्मा। आई एम इन ए लीड बोथ मूवी, वन ऑफ दिस यू कैन सी दिस पोस्टर, जिला बुलंदशहर, एंड सेकंड इज 365 रातें। एक्चुअली पूरा क्रेडिट तो के अली खान को जाता है। एक्चुअली अगर ये नहीं बताते तो आई थिंक सो मैं कनेक्ट नहीं हो पाती, एंड शी इज ऑल्सो। How you like the storyline? Yeah, I like all storylines because 365 raate jo hai, that movie is horror movie, so I like horror movies. Yes, and this is action movie. Yes. In the movie, who's the directing? First, I will introduce myself. My name is Lubna Khan, and I'm working in this movie as a negative lead role. And this is directed by K. Ali Khan, produced by R.C. Ma'am. I'm very excited to work in this movie, and thank you to you, both of them. Thank you so much. How you inspired to do the negative role? Negative role is very strongest role. I think without negative role, there is no lead actress, which is a very positive and very important role in a movie. So I'm very excited, and hopefully I will do my best work with all of them. Thank you so much. शर्मा हूँ, और ये दो फिल्में जो के अली खान साहब ने प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय के अली खान साहब हैं। पहली फिल्म है ज़िला बुलंदशहर और दूसरी है 365 रातें। इन दोनों फिल्मों में मैं गाने लिख रहा हूँ। एक फिल्म में 5 गाने हैं, दूसरी फिल्म में 4 गाने हैं। और जैसे कि खान साहब ने मुझे बताया था, थोड़ी स्टोरी लाइन बताई, तो उसके हिसाब से मैंने ट्राई किया है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ गाने लिख सकूं। अगर आप कहें तो मैं 2 लाइनें बताना चाहूँगा। इसमें एक रोमांटिक सॉन्ग, बाकी बहुत कुछ तो सस्पेंस में रखना ठीक रहता है, सब कुछ तो नहीं बता सकते। एक गाना बता सकता हूँ कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, मेरी सांस तुझसे चलती है, मेरा दिल तुझसे धड़कता है, और मेरे दिल से पूछो बिना तेरे एक लम्हा कैसे गुजरता है। मेरे दिल से पूछो बिना तेरे एक लम्हा कैसे गुजरता है। कुछ आइटम सॉन्ग भी हैं, जिला हिला दूंगी, इस तरह का गाने भी हैं, क्योंकि हर टाइप का ये फिल्म जो है एक मसाला मूवी होगी, हर तरह का इसमें आइटम्स होंगे इसमें। तो मुझे उम्मीद है और पूरी तरह से विश्वास भी है कि ये फिल्म जो है सुपरहिट होगी। मैं इस फिल्म में जिला बुलंदशहर है, मैं इसमें करेक्टर रोल कर रहा हूँ निगेटिव में। उसके प्रोड्यूसर हैं आर्ची मैडम और डायरेक्टर के अली खान साहब हैं हमारे, बस थैंक यू। और सेकेंड मूवी है 365 रातें, उसे मैं हवलदार का करेक्टर कर रहा हूँ। थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सबको एक साथ गुड मॉर्निंग भी। मेरा नाम इसरार खान है और मैं के अली सर के साथ काफ़ी पहले से जुड़ा हूँ। इनके साथ एक पहले पिक्चर कर चुका हूँ, तुमसे प्यार है। उसके बाद सेकंड मूवी सर के साथ मेरी है कमबैक इश्क, जो रिलीज पे, और अभी थर्ड पिक्चर सर के साथ स्टार्ट पे 360 पर आते हैं हॉरर पिक्चर। आप स्टोरी लाइन पे कैसे काम कर रहे हैं, हाउ यू इंटरैक्टेड विद दिस? एक्चुअली हॉरर में काम करना मेरा पहले से हॉबी था, तो सर अभी हॉरर कर रहे हैं तो मैंने सोच लिया कि जो हो जाए इस वाले।
थैंक यू। और केली खान सर के साथ हमने पहले भी मूवी किया हुआ है और अभी मैं कर रहा हूँ 365 रातें और जिसमें सेकंड लीड कर रहा हूँ और जिला बुलंद सर जिसमें मैं उसमें भी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ। तालुक यादव लुक्का भाई, मैं खान साहब का दोस्त भी रहा हूँ बहुत दिनों से और प्लस इनके बैनर तले जो भी फिल्म कर रहा हूँ दो तीन किया भी और अभी बुलंदशहर भी कर रहा हूँ 365 रातें भी कर रहा हूँ। इसमें मेन मेरा चुड़ैल का ही काम है और चुड़ैल बन के जो भी स्टोरी है उसके आगे चलते रहता है। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद बोलती हूँ कि आप लोग ने कवर करने के लिए इतनी मुश्किल से यहाँ पे आए हो। मेरा नाम सन्ना अली खान है और थैंक यू कि मैं आरजी मैम को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और हमारे प्रोड्यूसर साहब के अली खान जी कि जो मुझे ये मौका दे रहे हैं। और 365 रात में मैं लीड कर रही हूँ और ज़िला बुलंदशहर में भी मैं लीड कर रही हूँ। तो बस इसके अलावा और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर आपका फ्यूचर मोटिवेशन क्या है? हाँ, दो तीन मूवी लाइनअप पे है और वो बड़ी प्रोजेक्ट है तो उसमें मैं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, वो लाइनअप पे है, शायद जनवरी में शायद वो होने वाली है। और सबसे पहले तो हमारी ये मूवी होगी 365 रातें जिसमें बहुत अच्छा किरदार है मेरा और लीड भी है करने को। मैं जो चाह रही थी कि मुझे हॉरर मूवी मिले और वो मुझे मिली है सर के बदौलत, ये मूवी मैं करने जा रही हूँ और मैम की वजह से। तो मेरे तरफ से तो दोनों को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये मूवी करने जा रही हूँ। ऐसा पिक्चर जिला बुलंदशहर में टाकू का रोल कर रहा हूँ, केले जीवन डायरेक्टर उन्होंने काम दिया है मेरे को और मुझे पहली बारी में कर रहा हूँ क्योंकि इनके कहना था कोई काम कर लो के मैं ठीक है ट्राई करते हैं करने में क्या है। अब जो जैसे भी आ गया है इनके हाथ में था, मैडम है ये है इनकी मोहब्बत है। आप फिल्म में डाकू बन रहे पहले से थे ऑलरेडी? नहीं, मेरे तो वह राजनीति में था वैसे, लेकिन इसमें भी केली भाई का है कि तुम डाकू का रोल करो इसमें। ऊपर डाकू का रोल कर रहे हो केले से पहले बोले डाकू का रोल तो पहले से ही चिल्ला रहे कि मुझे डाकू का रोल दे दो। आप क्या नहीं सामने सामने बताते नहीं वो नहीं कर रहा मैं डाकू रोल लिया उन्होंने कहा तुम कर रही काम ठीक है। थैंक यू। यूनुस भाई प्रेसिडेंट हैं और इस बिल्डिंग के बारे में भी है, बाकी कैसा मैंने इन्हें बुलाया मुहूर्त के लिए कि आज मुहूर्त है और ये वक्त निकाल के आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी ये दो वर्ड कहना चाहेंगे जो कह सकते हैं। अब इसके बारे में क्या आपको बताऊंगा, ये हमारे प्रोड्यूसर सर हैं और हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, सपोर्टिंग है, हर चीज़ के सपोर्ट करते हैं, उनका भी शुक्रिया और तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो आने यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों का धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़। नमस्ते, मैं माधुरी पांडे हूँ और मैं के अली खान साहब के फिल्म में काम कर रही हूँ ऐसा इन्होंने बोला है मुझे और कहने से बोल रही है और ये जो जिला बुलंदशहर में शायद ठकुराइन का रोल है और 365 रातों में रात का ना 365 रातें हाँ 365 रातें में कब्र खोदने वाले का रोल है, कुछ अलग करने को मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ यूनिक सोच के रखा है मेरे लिए। तो देखते हैं आप लोग देखिए। सिनेमा में कब से जुड़ी हुई हैं? मैं सिनेमा में मतलब 8 साल हो गया मेरे को। कितनी भोजपुरी फिल्में कर चुकी हैं? मैंने भोजपुरी 10 फिल्में की हैं और हिंदी भी 8-10 किया है वो भी। तो ये जो यंग लोग हैं क्या आप एक्सपीरियंस देना चाहोगे इसमें? बस ये लोग कोशिश में लगे रहे और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, तो इसीलिए लगे रहेंगे तो मुन्ना भाई MBBS हो ही जाएगा। हेलो, मैं ओम प्रकाश यादव, जिला बुलंदशहर में मेरा एक छोटा सा करेक्टर है खान साहब ने दिए हैं, इसको मैं उनसे गुजारिश करता हूँ मैं मेहनत से लगन से काम करूँगा खान साहब का, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ साहब का। पटेल साहब इधर आओगे? चलो तेजा ही चलो। हाँ, पहले नमस्कार करना चाहता हूँ, मेरा नाम तेजा सिंह डॉन है, इस 365 आते में मैं छोटा सा कैरेक्टर का काम करने जा रहा हूँ और जिला बुलंदशहर में हमारे सर डायरेक्टर सर के अली खान सर, मैडम प्रोड्यूसर, बहुत दिन से मैं 2018 से मैं जुड़ा हुआ हूँ
काम कर रहा हूँ, बहुत से मूवी में काम किया और कोशिश करेंगे कि सर और आगे ले जाने के लिए कोशिश करें। सबको नमस्कार। 2017 से कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम प्रवीण यादव, मैं बेसिकली एक्टर हूँ और सर के साथ शुरुआत की थी बहुत सालों पहले। बहुत सालों के बाद आज मिलना हुआ है और कुछ ऐसे मौके पर हम लोग आए जहाँ पे कुछ नया होने जा रहा है। सर की जो 365 रातें जो फिल्म है वो कंप्लीट होने तक एंड पोजीशन पे है अभी और उसके लिए उनको शुभकामनाएं। और आने वाली नई फिल्म जो है जिला बुलंदशहर, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। और ये फिल्म अच्छी बने, अच्छी चले और सब लोग का योगदान और अच्छी पॉजिटिविटी इसके साथ रहे। थैंक यू वेरी मच। की टीम से है ये, हमारे इम्तियाज सर है, तेजस जी है और क्याली खान के सर। हम लोग ये प्रोजेक्ट को 365 रातें, मतलब 365 रातें और जिला बुलंदशहर को मिलके हम लोग कर रहे हैं इसको। माय ऑस्कर एक एप्लीकेशन है जो आगे जाके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नया एरा खड़ा करेगा। तो उसके थ्रू हमारे पास जो लोग हैं उनको, कुछ नए लोगों को, कुछ पुराने लोगों को इसमें हम काम देने की कोशिश कर रहे हैं और हम कुछ मिलके अच्छा करें। इसलिए आज का ये दिन है, आज मुहूर्त है। इस मुहूर्त पे मैं सभी को, यहाँ आए हुए सभी हमारे एक्टर और पूरे क्रू मेंबर्स को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और इस फिल्म को सबकी शुभकामनाएं हो, हमारे साथ हो। थैंक यू। के अली खान है, मैं बुलंदशहर पिक्चर में डाकू का रोल लिया हूँ। कैसा है आप खुद ही देखेंगे, बताएंगे क्या है क्या नहीं है। कितना बड़ा डाकू है इसमें? इसमें सभी लोग हैं, बड़े बड़े डाकू हैं। डाकू का रोल लिया हूँ। आप कितने नंबर पे हैं? कितना नंबर है उसमें देखने के बाद मालूम हो, 4 नंबर पे मैं। चलाएंगे आप खुद देखेंगे, पहले से भी नहीं अभी से। रियल लाइफ में चलाएंगे भी? जी नहीं, चला के देख लेंगे मौका मिला तो। थैंक यू। जो आपकी स्टोरी लाइन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पहला तो ऐसा है कि जो मेरी मूवी है एक कमबख्त डिस्क, वो रिलीज होने जा रही है और वो कंप्लीट है। और दूसरी है एक रिया मूवी, जो वो भी है कंप्लीट हो गई है। और तीसरी एक रनिंग चल रही है मेरी मूवी 365 रातें, वो एक हॉरर मूवी है जो अलग हटके है और हॉलीवुड टाइप है। और एक ये जिला बुलंदशहर मूवी है, ये डाकुओं के ऊपर है, जो मेरी सबसे महंगी फिल्म है और इस पर मेरी कम से कम मेरी 1 से 1.5 साल से मेहनत चल रही है। काफ़ी इसमें जो मार्केट के हैं काफ़ी पुराने पुराने लोग मिलेंगे और सब टैलेंटेड लोग हैं। और जिसमें हमारे ही बीच में एक मीडिया में जो हैदर जो है आजमी है, वो एक सांभा का रोल कर रहे हैं। जैसे एक शोले फिल्म थी उसमें मेक मोहन जी का रोल था, वैसे ही हमारे बीच में इसमें हैदर काजमी जी का एक सांभा का रोल है। और डाकुओं का रोल मूवी आपका बनाने का आइडिया चंबल घूम कर आया था? नहीं, डाकुओं का जो है मेरा मकसद ये है कि जो पहले जो डाकू थे वो वचनबद्ध थे और अभी तो फिलहाल जो है डाकुओं की मूवी ख़त्म ही हो चुकी है, लेकिन ये जो मूवी है एकदम हटके होगी। पहले लोग जो थे, जो डाकू थे, वो ऐसे डाकू थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए और बड़े बड़े आदमियों को लूटते थे और छोटे छोटे जितने भी डाकू थे या उनमें जो है जो गरीब लाचार मजबूर थे उनमें जो है वो तकसीम बांटते थे, मतलब पैसा वगैरह वो सब बांटते थे। उसी तरीके की एक फिल्म है जो आज क्राइम चल रहा है उससे रिलेटिव। कहाँ ये जो है शूटिंग होगी? ये जिला बुलंदशहर में ही शूट होगा, पूरी फिल्म जिला बुलंदशहर के ही ऊपर है और जिला बुलंदशहर में ही ये शूट की जाएगी। इसमें बंदूक असली है कि डुप्लीकेट है? इसमें असली बंदूक वाले ज़्यादा हैं, नकली कम हैं। सारे जितने भी लोग हैं वो वहीं के क्रिमिनल ही लोग हैं, 90% ओरिजिनल ही हैं। सर ये एक क्रिमिनल काइंड ऑफ मूवी है तो इसमें कुछ एनवायरनमेंट को हार्म है ऐसा कुछ है? इसमें कैसा है कि देखिए ये जो मूवी है ये असल में क्या है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो रियल में आज भी उनके ख़ानदान में जो आज भी दबंग हैं, जो डाकू उन्हीं के, उस पर ये बनाई जा रही है और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा। एक दो नाम दबंग का? नहीं, उन दबंग का हम नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि पिक्चर बनाने से पहले ही जो है ना ऑब्जेक्शन चालू हो जाएगा।
मतलब इसलिए बता सकते हैं कि यूपी के हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र ये है। जिला बुलंदशहर यूपी है, यूपी में पड़ता है जिला बुलंदशहर। और वहाँ जब हम फिल्म शूट करने जाएंगे तो लोग खुद ही पहले सीन से ही समझ जाएंगे कि ये किस पे आधारित फिल्म है। मुंबई में कोई शूट है कि नहीं? मुंबई में कोई शूट नहीं है इसका। गाने वाने कोई गाना नहीं, कुछ नहीं, सब यूपी के ऊपर ही है। और बाकी लोकेशन है या अलग अलग लोकेशन? नहीं, अलग अलग लोकेशन है, अदर अदर लोकेशन है जिला बुलंदशहर के अंदर है। जहाँ के लोग वहाँ डाकू थे, जो नामचीन डाकू थे, उन्हीं के लोकेशन हैं, वहीं हम शूट करेंगे। जैसा जिला गाजियाबाद शूट जिला गाजियाबाद में हुई थी, वैसे ही है जिला बुलंदशहर, वहाँ पूरे ज़िले में शूट हो रही है। ये कहानी कहाँ से मिली? ये कहानी जो है, मैंने पहली बात तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ जिला बुलंदशहर का, इसलिए सारी कहानी कुछ वहाँ के लोगों से पूछी और कुछ मैंने खुद लिखी जो लोगों को मैं जानता हूँ, इसलिए जो खुद मैंने ही लिखी है ये कहानी। डायरेक्शन मैं खुद कर रहा हूँ इसमें। प्रोड्यूस में है ये आरसी में है और एक दो बंदे हैं जो को प्रोड्यूसर हैं। बाकी क्या है, बाकी के तो सारे लोग वहीं के हैं, कुछ वहीं के फाइनेंसर हैं जिन्हें मैं अभी ओपन करना इसलिए नहीं चाहता कि कल वहाँ जब पैसा आएगा तो तभी ओपन किया जाएगा। हालांकि कितने लोग हैं इसमें? इस फिल्म में देखा जाए तो ये करीबन जो है 10 डाकुओं के ऊपर, जो नामचीन वहाँ के जो बदमाश हैं, जिनके आज भी खुलेआम हथियार वगैरह सब सारी चीज़ें हैं जो बना रहे हैं, सब खुलेआम जो है ये चल रहा आजकल भी, क्रिमिनल जो क्राइम चल रहा है वहाँ बुलंदशहर के अंदर, आए दिन नई नई न्यूज़ मिल रही हैं। आज भी ये सब फिल्म जो है ये जितना भी चल रहा है सब वही के ऊपर है। इसमें कितने मर्डर दिखाए गए हैं? मर्डर अनलिमिटेड है इसमें, अनलिमिटेड है। हर गैंग है, अलग अलग गैंग है और हर गैंग में अनलिमिटेड मर्डर है। कितने गैंग बताए गए हैं? यहाँ तक कि ऐसे हैं जैसे कोमल, आप पूछते रहिए मैं बताता रहूँगा, आप पूछते हुए थक जाओगे और मैं बताते हुए नहीं थकूँगा। इसमें जैसे कोमल सिंह नाम है एक डाकू का, वो कोमल ही करके जो जितनी भी डाकू मतलब डकैती डालता है वो कोमल करके, और कोमल सिंह दूसरे कितने काली है, मतलब नाम तो एक बदल दिए हैं लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो सब पहचान जाएंगे कि भाई ये किसके घर की स्टोरी है, कौन ऐसा था। आज भी कुछ लोग उनमें से जिंदा हैं। म्यूजिक इसमें जो है, मैंने यहाँ का म्यूजिक नहीं लिया है, कलकत्ता के एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं नागेंद्र चौधरी, उनका इसमें म्यूजिक है, और एसपी वर्मा जी उनके गाने हैं। महिला डाकू पे प्रकाश डालना चाहेंगे? ये महिला डाकू पे मैं डालना चाहूँगा, महिला डाकू में भी है, और एक महिला नहीं, इसमें दो तीन ऐसी महिला हैं जो वहाँ नामचीन रह चुकी हैं और आज भी टोटल उनके अंदर में मतलब क्राइम चल रहा है, लेकिन लोग सबूत ना होने की वजह से उनको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। हाय, मेरा नाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर्ची है, और मेरा भी अपकमिंग मूवी चल रही है रिया मूवी, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, रिलीज है उसका 6 जनवरी तक। और मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है जूतुजा रंगला, और ये जो अभी जिला बुलंदशहर है इसमें मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, और मेरे साथ में डायरेक्शन में के अली खान सर है, और देन ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, इसका मोस्टली पूरा शूट बुलंदशहर में ही रहेगा और ये बुलंदशहर के ही लोगों पे आधारित है। आई होप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, और खान सर साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ मूवी को। आप इसमें हो नहीं? ना। अच्छा, हम जैसे यूपी में काफ़ी सारे पर मूवी बन चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि ये मूवी बनाने में रिस्क होगा कुछ? काफ़ी सारी मूवी आज की यूपी में डाकुओं के ऊपर चंपल की आटी, बहुत सारी मूवी आज की, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ रिस्क लेना होगा? नहीं, रिस्क क्या है, अगर किसी के रियल लाइफ अगर हम बता रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो हाईलाइट हो रहा है ना बंदा आगे वाला।